हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्रो विद देहा। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मामा अर्थ के कोको फेस स्क्रब का रिव्यू और साथ के साथ अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। तो मैं इस स्क्रब को यूज कर रही हूँ पिछले एक दो हफ्ते से और कैसा एक्सपीरियंस रहा है मेरा इस स्क्रब के साथ मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगी। और आप लोगों को ये फेस स्क्रब यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए ये भी मैं आपको बताऊंगी। और बाकी के स्क्रब की तुलना में ये कितना ज्यादा अच्छा है या फिर कितना खराब है ये भी आज आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि कैसा रहा है मेरा एक्सपीरियंस इस फेस स्क्रब के साथ। सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमें स्क्रब क्यों यूज करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और स्क्रब यूज करने से हमारी स्किन को क्या क्या फायदे होते हैं। तो स्क्रब हमें जरूर यूज करना चाहिए। स्क्रब यूज करने से हमारे डेड सेल्स रिमूव हो जाते हैं जो स्किन के होते हैं, हमारे पोर्स में जो डस्ट वगैरह चले जाते हैं वो रिमूव हो जाते हैं और हमारी स्किन काफी ज्यादा एक्सफोलिएट हो जाती है स्क्रब यूज करने से। और जिन लोगों को प्रॉब्लम होती है ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स की, जो कि ज्यादातर यहां और नोज पे होती है, तो अगर आप टाइम टू टाइम स्क्रब यूज कर रहे हैं तो आपको ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स की प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। और स्क्रब यूज करने की टाइमिंग क्या है, तो आप कोशिश करिए कि आप वीक में एक से दो बार स्क्रब जरूर करें और टाइम टू टाइम अपने स्किन को एक्सफोलिएट करते रहें। इससे आपकी स्किन ग्लोइंग और काफी ग्लॉसी दिखेगी। सो स्क्रब यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। पहले मैं यूज करती थी एवरयूथ का वॉलनट स्क्रब, जिसका रिजल्ट मुझे बहुत अच्छा मिलता था, जो मेरी स्किन को काफी अच्छे से एक्सफोलिएट करता था। बट इस स्क्रब को मैंने इसलिए परचेस किया क्योंकि बहुत से लोग कमेंट सेक्शन में बोलते थे इसके रिव्यू के लिए, तब जाके मैंने इसे परचेस किया। नहीं, मैं इसे परचेस नहीं करने वाली थी क्योंकि मुझे उसका रिजल्ट काफी अच्छा मिल रहा था और मुझे जरूरत भी नहीं थी किसी दूसरे स्क्रब की, तो मैं नहीं खरीदने वाली थी। बट सिर्फ रिव्यू के लिए मैंने इस स्क्रब को परचेस किया। तो ये है वो स्क्रब जो है मामा अर्थ कोको फेस स्क्रब। इसमें आपको मिलेंगे कॉफी एंड कोकोआ पाउडर, जिससे कि ये स्क्रब बना हुआ है। इसमें आपको छोटे छोटे हार्ड पार्टिकल्स मिलेंगे जो कि वॉलनट के रहते हैं और कॉफी के रहते हैं, जिससे हमारी स्किन जो है एक्सफोलिएट हो जाती है। और इसका जो टेक्सचर है वो काफी क्रीमी है, तो स्क्रब करने में भी काफी स्मूथली आपके हैंड मतलब फिंगर टिप्स आपकी काफी स्मूथ चलती है, तो अच्छे से ये स्क्रब कर देता है आपकी स्किन को। इसमें पैरा भी नहीं है और ये डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड भी है और ये ऑल स्किन टाइप है ऐसा इस पे मेंशन किया गया है। तो इसके प्राइसिंग की बात करें तो ये मुझे मिला है 350 रुपीज में और क्वांटिटी है सिर्फ और सिर्फ 100 ग्राम। तो इसके बारे में मैंने आपको सारी डिटेल्स बता दी है। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ अपना एक्सपीरियंस इस स्क्रब के साथ। तो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है इस स्क्रब के साथ वो बहुत ही अच्छा रहा है। ये स्किन को काफी अच्छे से एक्सफोलिएट भी कर रहा है और काफी अच्छा रहा है इसमें, क्योंकि इसमें कोकोआ पाउडर और कॉफी पाउडर है, तो ये अगर आपको टैनिंग वगैरह भी हो रखी है तो उसमें भी काफी हेल्प करेगा। तो काफी अच्छा स्क्रब है ये। लेकिन मुझे जो इसमें पसंद नहीं आया वो है सिर्फ और सिर्फ इसकी प्राइस, क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि काफी ज्यादा कॉस्टली है, क्योंकि 100 ग्राम का जो प्राइस है इसका 350 यानी 350 रुपए है। तो इतने रुपए में आपको और भी ऐसे 4 स्क्रब मिल जाएंगे जो कि आप पूरे ईयर यूज कर सकते हो, तो मेरे ख्याल से हर कोई इसे अफोर्ड नहीं कर सकता। ये अफोर्डेबल रेंज में नहीं है मेरे ख्याल से। बाकी अगर आप इसे अफोर्ड कर सकते हैं तो आप इसे यूज करिएगा, ये आपकी स्किन के लिए काफी अच्छा रहेगा, आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करेगा। बट जिन्हें कॉफी और कोकोआ पाउडर वगैरह सूट नहीं करता जिनकी स्किन को, उनके लिए शायद ये सूटेबल नहीं रहेगा। तो मेरा ये वीडियो और इस स्क्रब का रिव्यू आपके लिए कितना ज्यादा हेल्पफुल रहा प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आप लोग को मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर दीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसे ही हेल्पफुल रिव्यू एंड वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।